हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस सो गाइस इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग लिस्ट कि कैसे हम एक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं ट्रैवर्स मतलब एक एक एलिमेंट्स को विजिट कर सकते हैं ठीक है ठेके? तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत से तरीके हैं वो सब तरीके आप खुद बताऊंगा ठीक है मतलब टूल्स हैं टूल्स गैदर करेंगे अलग अलग सिचुएशन में जरूरत पड़ेगी हमें अलग अलग उन टूल्स को अप्लाई करने की ठीक है तो फटाफट फड़ शुरू करते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है क्लास इलेवें का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का डिस्कशन का कर चुके हैं है है, कैसे क्रिएट कर सकते हो एक्सेस कैसे कर सकते हो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो ऑपरेशन वगैरह देख चुके हैं सब कुछ देख चुके हैं राइट और लास्ट वीडियो में हम देख चुके कैसे लिस्ट को आप म्यूटेट भी कर सकते हो तो अब आगे हम नए टॉपिक के ऊपर ट्रैवर्स कर सकते हो

हो सकता है उस पर कोई परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन बट जरूरत जरूर पड़ सकती है कि एक पर्टिकुलर लिस्ट है उसमें एक एक एलिमेंट पे आप जा रहे हो तो वो जाने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी ट्रावर्सिंग नी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ट्रावर्सिंग बोथ लूप एंड अ वाइल्ड लूप तो आप लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो दोनों ही लूप को यूज करके फॉर लूप को भी और वाइल्ड लूप के हुँ.

कोई भी एक लिस्ट है आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर लिस्ट में चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं तो पर्टिकुलर आइटम के लिए आप चेक कर सकते हो आइटम इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट कि ये आइटम इस लिस्ट में है कि नहीं और जब 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 तक ये आइटम इस लिस्ट के अंदर है इस आइटम पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तो मैं यहां लगा दूंगा फॉर लूप फॉर आइटम इन लिस्ट

ठीक है 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 सपोज सपोज कोई कोई भी भी लिस्ट ऐसे इसकी लेंथ है, लेंथ सी अब मैं क्या करूंगा इस लिस्ट की लेंथ निकालूंगा एलई एन यूज करके लेंथ यूज करके इस लिस्ट की लेंथ निकालूंगा और फिर रेंज फंक्शन को यूज करके मैं क्या करने वाला हूं इससे एक सीक्वेंस बना दूंगा इस

है। है। तो तो देखो वही लिखा हुआ ठीक की मदद से मैंने वो निकाली, उससे को करके एक sequence बनाया, और उसमें रहा करो अब ये जो आई है ये आपका एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है आपके इंडिविजुअल इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और इस इंडेक्स की मदद से जो चाहे कर सकते हो जैसे मैं चाहता हूँ उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करना तो मैं प्रिंट कर सकता हूं कि जो भी मेरे पास लिस्ट है जो भी मेरे पास लिस्ट जैसे फिलहाल एल है तो एल के इंडिविजुअल इंडेक्स आई को जो मैं पॉइंट कर रहा हूं उसको प्रिंट कर दूंगा यार या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूं कर सकता हूं ठीक है सो लेंथ कैन बी यूज टू फाइंड ऑफ द लिस्ट एंड देन यूजिंग रेंज फंक्शन वी कैन मेक अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेंथ माइनस वन जीरो से स्टार्ट होकर लेंथ माइनस वन तक मैं एक सीक्वेंस बना सकता हूं देन इटरेट ओवर ईच इंडेक्स एंड प्रिंट ईच एलिमेंट तो फिर मैं हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स को इटरेट कर सकता हूं और एलिमेंट को प्रिंट कर सकता हूं आप चाहो तो एलिमेंट को प्रिंट करो आप चाहो तो जो मर्जी करो बट आप इंडिविजुअल हर एलिमेंट को ट्रावर्स कर सकते हो समझ में आया यूजिंग वॉट यूजिंग योर लेंथ एंड रेंज फंक्शन कंबाइंड विद फॉर लूप समझ में आया कंबाइंड विद फॉर लूप

आई मतलब बनाया एक जीरो के बराबर और कहा जब तक ये आई जब तक ये आई लेंथ से छोटा है तब तक काम करते रहो क्या काम करते रहो जो भी काम आपको करना है सो so, वाइल I is, हाँ so, i is less than अब मुझे यहां चाहिए क्या छोटा किससे चाहिए लेंथ से छोटा चाहिए सो व्हाइल i is less than लेंथ ऑफ जो भी लिस्ट l है उस लिस्ट से जब तक छोटा है तब तक क्या करो यार तब तक आपको जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसको प्रिंट करते रहो i को प्रिंट करते रहो तो प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो इस लिस्ट के i इंडेक्स को प्रिंट कर दो सिंपल सी बात ठीक है अब यार देखो i इन मतलब स्टार्टिंग में i 0 है तो चेक किया जाएगा कि क्या आई लेंथ से छोटा है बिल्कुल है यार जीरो जो है छोटा है लेंथ से सपोज जो भी लेंथ है सपोज मैंने कहता हूं यहां पर लेंथ है सपोज थ्री ठीक है सपोज थ्री लेंथ है तो थ्री से छोटा है ना आपने बढ़ाया प्रिंट कर दिया आई इंडेक्स को पर आपको क्या करना पड़ेगा फॉर लूप के तरीके से खुद से वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी आपको चेंज खुद करनी पड़ेगी तो जब भी आप चाहते हो वेरिएशन अपनी तरफ से कि जब मर्जी आप चाहे जैसी वैल्यू चेंज कर सको तो आपको यहां पे इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा तो जैसे मैं चाह हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन मतलब आई में वन को एड करो और आई में स्टोर कर दो तो इंडिविजुअली पहले तो आई जीरो था जैसे ये एक बार चला तो आई वन बन गया वाई वन होने की वजह से फिर से चलेगा चेक किया जाएगा वन क्या छोटा है थ्री से बिल्कुल है यार ठीक है तो वन क्योंकि छोटा है फिर से चलेगा फिर ये वन के बाद टू बन जाएगा टू में फिर से चेक किया जाएगा क्या टू छोटा है बिल्कुल है पर अगर आपने ये लगाना भूल गए भाई अगर ये लगाना भूल गए तो आपका लूप में फंस जाएगा आपका कंडीशन तो उस चीज से बचना हमेशा जरूरी है ठीक है रिसोर्स सारे खा जाएगा नहीं तो हो ठीक है तो हमेशा उससे बचना आए हो बीच समझ में आई प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो सब चीजें हो जाएंगे ये सब सिनेरियो देख चुके हम डिटेल में जब हम लूपिंग कवर कर रहे थे ना है ना फॉर लूप वगैरह तो हम ये चीज देख चुके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए एक बार देखिए है ना क्लियर होगा ये चीज चलो आगे जाओ नेक्स्ट इज लिस्ट लेशन की मदद से भी आप list traversal कर देते कर सकते हो ये देखो क्या है भाई ये सिंपलेस्ट इजिएस्ट और शॉर्टेस्ट टेक्निक है सिंपलेस्ट सबसे आसान सबसे easy, सबसे शॉर्ट तरीका है है ना फॉर ट्रावर्सिंग लिस्ट दैट इज यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ठीक है

तो मैंने प्रिंट कर दिया वैल को तो इंस्टेंटली जल्दी से जो काम आपको करना है ना लिस्ट में लिस्ट यूज करो सिंगल लाइन में आपको काम हो जाएगा जल्द से जल्द ठीक है तो ये सबसे अच्छा तरीके सबसे कंक्रीट मेथड है ठीक है कुछ एक दो लाइन अगर आपको लिखनी है तो ये यूज करो बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें ठीक है तो ये भी दिखाऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हो ठीक है तो सिंटेक्स ये है प्रिंट करना आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को फॉर लूप का यूज करके फॉर आई इन लिस्ट लिस्ट में आई को इटरेट कर देना जब तक आई जो है तब तक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो प्रिंट कर रहे इंडिविजुअल ठीक है, है को. Right? चलो, अब इन्यूमिरेट करके भी एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो तो यार देखो कहानी ये है कि आपके पास फॉर लूप है आपके पास फॉर uh, को 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 यूज़ यूज़ कर, मतलब uh, यूज़ करके करके मतलब लेंथ और रेंज में में कंबाइन कर कर सकते हो, आप को यूज़ कर सकते हो में किस -किस में कर सकते हो फाइल इसमें इंडेक्सेस किस-किस पर स्कोप से बियॉन्ड है तो उसमें फंसनी थे जरूरत नहीं उसकी ठीक है तो वो हम फालतू का क्यों काम करें जबकि हमारे पास दूसरा तरीका है which is, which is

वट इफ अगर अच्छा इसमें क्या है इसमें आप आइटम को फेच कर रहे हो आइटम की मदद से वट इफ अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप इटरेट तो आइटम पे करो पर साइमल्टेनियसली आपको इंडेक्स भी मिलता रहे तो उसका एक बहुत कुल तरीका है इन्यूमिरेट फंक्शन का यूज करने का तो ये इन्यूमिरेट क्या करता है इन्यूमिरेट क्या करता है कोई भी एक लिस्ट लेता है और उस लिस्ट पे इटरेट करता है और एक टपल का सेट बना देता है मतलब एक लिस्ट ऑफ टपल्स बना देता है जिसमें आपके पास क्या हो है हर वो वैल्यू आ जाती है विद विद इट्स इट्स इटरेशन मतलब इंडेक्स कि वो किस इंडेक्स पे है। तो आप इटरेट तो करोगे वैल्यू के ऊपर साइमलटेनियसली आपको इंडेक्स भी मिलता रहेगा ठीक है ठीके? मतलब इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द लिस्ट इंटू एन इटरेबल लिस्ट ऑफ टपल्स और गेट द इंडेक्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन चेक ठीक है कंडीशन चेक पे बेस आपको इंडेक्स चाहिए वी कैन यूज द इन्यूमेरेट फंक्शन सिंटेक्स क्या है बहुत सिंपल सा है आपको फॉर लूप लगाना है आप इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही फेच कर सकते हो इन इन्यूमेरेट लिस्ट में मतलब इन्यूमेरेट लिस्ट जब आपने मतलब इन्यूमेरेट फंक्शन कॉल किया इसमें लिस्ट पास कर दी ये क्या करेगा ये एक टपल बना देगा ठीक है मतलब लिस्ट का टपल बना देगा जिसमें क्या होगा आपका इंडेक्स होगा वैल्यू होगी फिर इंडेक्स होगा वैल्यू होगी फिर इंडेक्स होगा वैल्यू होगी इस तरीके से तो आप इसमें दोनों फेच कर रहे हो इंडेक्स भी और वैल्यू भी ठीक है दोनों चीजें आप फेच कर रहे हो और आप उस पे फिर जो चीजें चाहे परफॉर्म कर सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करना है वैल्यू को प्रिंट करना है पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए आपको तब कुछ करना है तो वो सब आप काम कर सकते हो मतलब इंडिविजुअली आपके पास इंडेक्स भी आ गया वैल्यू भी आ गया मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों पे साथ में ट्रेड कर रहे हो आप ये कह लो ठीक है तो आप सिर्फ इंडेक्स पे ट्रेड करके वैल्यू फेच करने के बजाय या सिर्फ वैल्यू पे करके इंडेक्स फेच करने के बजाय आप दोनों पे ही ट्रेड कर रहे हो और दोनों पे ही अब आप कंडीशन लगा सकते हो ठीक है आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आप इस एन्यूमिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हो ठीक है अब ये बहुत सारे टेक्निक्स हो गए ट्रावर्सल के ना? है ना इन टोटल पांच मेथड दिखा दिए मैंने आपको ठीक है तो आइए चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि आप ये सारे मेथड प्रैक्टिकली भी देख सको तो देख ही प्रैक्टिक ये कैसे कर सकते हो इन मेथड्स को परफॉर्म अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो चलो मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे आप इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो इन सारे मेथड्स की मदद से आप लिस्ट ट्रावर्सल कर सकते हो ठीक है चलिए ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं ठीक है तो ट्रैवल्सिंग लिस्ट मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को विजिट करना है तो मैं यहां क्या करूंगा यहाँ एक नया मैं फोल्डर बना लूंगा ठीक है और यहां लिख दूंगा मैं ट्रैवर्सिंग लिस्ट ठीक है तो एक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं एक लिस्ट मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे विजिट कर सकते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस फोल्डर के अंदर मैं राइट right क्लिक करके वीएस कोड को ओपन कर लूंगा इस फोल्डर के अंदर ठीक है तो वी कोड मेरा ओपन हो गया गेट स्टाइट मैंने बंद कर दिया और यहाँ एक फाइल बना लूंगा पाइथन फाइल के नाम से पाइथन स्कोर ठीक है तो पाइथन फाइल हो गए, इसको बंद कर देंगे और यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं कैसे हम एक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं अब ये कैसे पता चलेगा कि हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं तो साइमिलियसली हम उसको प्रिंट करते चलेंगे ताकि हमें चीज़ें पता रहे ठीक है चलिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ ठीक है तो एल नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है और इसमें मैं सारे एलिमेंट जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सब डाल देता तो, हूँ जैसे कि जीरो डाल सकता हूँ वन डाल देता हूँ माइनस वन डाल देता हूँ फिर टू पॉइंट टू डाल देता हूँ फिर फाइव बाई टू डाल देता हूँ फिर टू प्लस थ्री जे डाल देता हूँ फिर तो ये आपका जीरो हो गया वन मतलब इंटेजर्स यहाँ तक हो गए है ना फिर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए दोनों ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया राइट इसके बाद फिर डाल देते हैं पर लिस्ट सपोज सो टेन कॉमो ट्वेंटी लिस्ट डाल दी मैंने फिर मैं टपल डाल देता हूँ यहाँ पे है ना टू हंड्रेड कॉमो थ्री हंड्रेड ठीक है टप्पल डाल दिया मैंने टपल की बात क्या करूँगा मैं टपल के यहाँ बात डाल दूंगा डिक्शनरी इसके अंदर इज ए फॉर वन ठीक है एप्पल नहीं ए फॉर वन और बी फॉर यहाँ डाल दे चलो बॉल ठीक है बी फॉर बॉल ठीक है अब बहुत बड़ी जा रही है लिस्ट तो मैं यहाँ से सेपरेट मार लेता हूँ है ना ये सेपरेट मार ली मैंने लिस्ट डिक्शनरी अलग हो गया ठीक है ये आपकी सब बन गया है ना इंटेजर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स, लेस टपल डिक्शनरी ठीक है अब सेट्स से वगैरह बचे हुए हैं वो बना लेते हैं फटाफट ठीक है तो यहाँ सबसे सब पहले सेट बनाता हूँ ए कमा वन सॉरी कमा वन कमा ए तो ये मैंने क्या बना लिया ये मैंने एक सेट बना लिया स्ट्रिंग बच गई है ना वर्तन घर की एक स्ट्रिंग बना दी फिर एक कैरेक्टर बच गया तो एम बना लिया कैरेक्टर है ना एम बी के लिए एम ठीक है और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स बच गए आपके है ना बचेस टी आर यू ई ट्रू है ना जो मैं नेक्स्ट लाइन में बना देता हूँ ठीक है हर इंडिविजुअल टाइप को अलग अलग लाइन में बना देता हूँ चलो ठीक है so true, false, और यह ठीक है तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई लंबी चौड़ी सी है ना और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है रीजन क्या जीरो का मा वन का मा माइनस वन कामा टू पॉइंट टू का मा फाइव बाई टू का टू प्लस थ्री जे काम टेन प्लस टू पॉइंट टेन ट्वेंटी डिक्शनरी सेट ओके okay. यहाँ का नहीं लगा इस बार आ रहा है ठीक है नाउ इट्स परफेक्टली ऑलरेडी ठीक है तो ये लिस्ट हमने क्रिएट कर ली इसको इवन रन करके देख लीजिए परफेक्टली रन हो जाएगी तो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसी बार लिस्ट क्रिएट कर चुके हम लिस्ट क्रिएट करना तो हमें आता है राइट right? तो ये लिस्ट क्रिएट हो गई हमारी अब हमें क्या करना है इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना मतलब विजिट करना है एक एक एलिमेंट को तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे तो बहुत सारे मैथड्स हैं ठीक है, है तो सबसे पहले देख लेंगे हमें मैथड वन विच इज वॉट मेथड वन क्या है यूजिंग फॉर लूप है ना सिंपलेस्ट यूजिंग फॉर लूप तो सिंपली आपको फॉर लूप को यूज करना है सबसे ईजी तरीका है ठीक है तो करना क्या देखो तो बहुत सिंपल सा कहानी है करनी आपको क्या है आपको क्या करना है हर इंडिविजुअल एलिमेंट को विजिट करना है तो क्या करेंगे सिंटेक्स होता है फॉर कोई भी एलिमेंट जो भी आप एलिमेंट की बात कर रहे होल एम है ना एलिमेंट एल एम मतलब एलिमेंट एल एम एन अब जो भी लिस्ट को अब बात कर रहे हो तो वो लिस्ट आ जाएगी तो एल कॉलन लगाएंगे और अब आप आ गए इंडिविजुअल एलिमेंट को विजिट करने मतलब आपने क्या किया आपने इस लिस्ट में ट्रावर्सल के लिए क्या कहा आपने कहा कि फॉर एल एम एन लेस मतलब एक सपोज वेरिएबल है जो हर इंडिविजुअल एलिमेंट को पॉइंट करेगा वन बाय वन ठीक है तो फॉर एल एम एन लेस डाला आपने अब आप क्या कर सकते हो इसको प्रिंट कर सकते हो है ना तो प्रिंट कर लेते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को तो प्रिंट एल एम राइट एल एम को आप प्रिंट कर सकते हो राइट right? तो अब इसको प्रिंट करने के लिए हम करेंगे क्या इसको सिंपली रन पाइथन कोड करेंगे और देखो प्रिंट हो गया आपके सारे एलिमेंट्स ठीक है सो जीरो से शुरुआत हुई जीरो वन माइनस वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव है ना थ्री बाई फाइव बाई टू इज टू पॉइंट फाइव ठीक है फिर टू प्लस थ्री जे फिर टेन ट्वेंटी टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ए फोर वन बी फोर बॉल ए एन वन आपका सेट हो गया ठीक है फिर वरदान गर्ग हो गया स्ट्रिंग फिर एम कैरेक्टर ट्रू फॉल्स ना इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपने विजिट करके उसको प्रिंट कर दिया मतलब इसमें क्या किया आपने आपने लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को विजिट किया और प्रिंट कर लिया सिंपल सी बात है ना तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ट्रैवर्सल का ठीक है जब यूज कर सकते हो बट इसमें देखो यार दिक्कत एक ये है कि आप इंडिविजुअल इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर सकते आप इसमें ये तो कर सकते हो कि हाँ चलो इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हो बट इंडेक्स को ट्रैक करना मुश्किल है कर सकते हो पर क्यों टेंशन लेनी है ना जब हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं तो आई होप यहां तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अब इसके बाद चलते हैं मेथड टू पे ठीक है तो ये था मेथड टू पहले भी देख चुके हैं मेथड टू राइट जब हम लूपिंग uh, वगैरह देख रहे थे तब ये देखा था हमने ठीक है आगे और बढ़ते हैं तो इस तरीके से हमने मेथड टू देखा कि लिस्ट को कैसे ट्रैवर्सल कर सकते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि यूजिंग Using क्या यूजिंग फॉर लुप with यूजिंग फॉर लुप एंड लेंथ लेंथ हमने अभी यहां लिस्ट में नहीं देखा है आगे देखने वाले हैं ठीक है पर आपको पता तो है ही लेंथ कि किसी भी सीक्वेंस के लेंथ फाइंड करने के लिए पेलन का यूज कर सकते हो एलियन का यूज कर सकते का है ना तो वही हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है तो करूंगा क्या मैं सेखो? सिंपल सा काम करने वाला हूं यहां पे क्या करने वाला हूं मैं यहां क्या करने वाला हूं मैं यहां अब इंडिविजुअल इंडेक्सेस को ट्रैक करने वाला हूं ना कि एलिमेंट्स को जैसे यहां पे पहले क्या कर रहा था ये एलिमेंट जो है हर लिस्ट के एलिमेंट को ट्रैक कर रहा था ठीक है मतलब एक एक एलिमेंट को पॉइंट करते हैं सीधे एलिमेंट मतलब इंडेक्स की बात नहीं हो रही थी अब यहाँ पे हम इंडेक्स ट्रैक करने वाले हैं और इंडेक्स की मदद से हम एलिमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं जो मर्ज चाहे आप कह सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ क्या करूंगा यहाँ सबसे पहले मैं एक लेंथ बनाऊंगा एल एन जी टी एच है ना लेंथ जो उसकी पूरे जो लिस्ट है उसकी लेंथ को ट्रैक करेगा और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी लेंथ फंक्शन की ठीक है लेंथ और यहाँ पे इसके अंदर पास कर दूंगा लिस्ट एल एस्टी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी फिलहाल आप बस समझ लीजिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इस कर देखेंगे। तो निकाला मैंने और वाला हूं अब मैं फॉर लूप की मदद से या फॉर से पहले मैं रेंज की मदद से क्या करूंगा एक इटरेबल बना दूंगा टिल तो क्या करूंगा मैं रेंज की मदद से रेंज की मदद से रेंज में लेंथ पास करूंगा ठीक है और मैंने एक इटरेबल बना दिया जो इस जो क्या कर रहा 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 है 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 अब अब जीरो से ले लेंथ तक की एक दे दे पूरा इंडेक्सिंग बना इस इंडेक्स को मैं ट्रैक करना इन रेंज मतलब तो जो जो ने जो सीक्वेंस बनाया ना लेंथ के लिए मतलब इंडेक्सिंग बनाई लेंथ देखो लेंथ फाइंड कर ली मैंने सपोज अगर मैं इसकी कहूं तो जीरो या ना, क्या क्या जीरो जीरो थ्री फोर सॉरी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फिर से शुरू करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन लेंथ है ठीक है फोर्टीन एक्चुअली इंडेक्स है लेंथ फिफ्टीन है है ना लेंथ क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लेंथ है और इंडेक्सिंग फोर्टीन तक जाएगी तो जब मैं लेंथ फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगा फिफ्टीन स्टोर हो जाएगा है ना क्या स्टोर हो जाएगा जीरो मतलब, से लेकर और वो क्या है वो आपका इंडेक्स को रेफर करेंगे और इंडेक्स की आई की मदद से प्रिंट भी कर सकता हूँ ठीक है तो सीधे सीधे मैं प्रिंट लगा सकता हूँ प्रिंट ऑफ ठीक है प्रिंट क्या करना है एल का

जो भी है लिस्ट में जो भी है वो प्रिंट कर देंगे फिर फर्स्ट पे फिर सेकंड थर्ड फोर टिल लेंथ लेंथ मतलब माइनस एक्चुअली क्योंकि रहेगा लेंथ लेंथ है है और इंडेक्स आपकी तक जाएगी तो वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है देखते हैं क्या ये प्रिंट हो जाएगा तो देखिए यार ये प्रिंट हो गया परफेक्टली जीरो से शुरू हुआ वन माइनस वन टू तो पॉइंट टू टू तो पॉइंट फाइव फिर टू प्लस थ्री जी लिस्ट आ गई टपल आ गए डिक्शनरी आ गया सेट आ गया स्ट्रिंग आ गई कैरेक्टर आ गया ट्रू फॉल्स नन आ गया ठीक है परफेक्टली लास्ट तक पूरा सब कुछ आ गया आपका तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ठीक है और इवन आपको हर बार लेंथ इंडिविजुअली ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब मैं क्या कर सकता हूं इसलिए पॉसिबल मतलब मैं क्या करूंगा फॉर आई एन डी इन रेंज ठीक है और रेंज में अंदर डाल दूंगा क्या लेंथ ऑफ फंक्शन ऑफ एल एस सी एक्चुअली में यूज इसी तरीके से क्या था कि सीधे सीधे हम पूरा फंक्शन साथ में कॉल करते हैं मतलब ये पूरा क्या हो गया लिस्ट का लेंथ निकाल रहे हैं फिर लेंथ से मतलब रेंज कॉल कर रहे हैं उसके पूरे सीक्वेंस बना दे रहे हैं इंडेक्स की आईएनडी उसको रेफर कर रहा हैं फिर हम आईएनडी को प्रिंट कर दे रहे हैं मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर दे रहे हैं एक्सेसिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स सो एलएसटी ऑफ आईएनडी मतलब एलएसटी में आई मतलब लिस्ट के इंडिविजुअल इंडेक्स को मैं प्रिंट करने की कर तो कोशिश कर रहा हूँ तो लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ देखो परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा ठीक है सी देखो परफेक्टली प्रिंट हो गया तो जीरो वन टू माइनस वन टू पॉइंट से पूरा प्रिंट हो गया ठीक है अब इसका बेनिफिट क्या तो यार इसका बेनिफिट कि आप इंडिविजुअल इंडेक्स को आप एक्सेस कर पा रहे हो अब अलग अलग क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी कि कभी कभार होगा आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा डायरेक्टली इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है सीधे सीधे एलिमेंट्स को एक्सेस करने की जरूरत है तो आप मेथड वन यूज करिए डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए पर अगर सपोज कहीं पर आपको जरूरत पड़ेगी आपको इंडेक्स को वो करना है एक्सेस करना है तो इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए आप ये आई वाले मेथड का यूज कर सकते हो ठीक है अच्छा इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं हम इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं इंडिविजुअल इंडेक्स को कैसे देखो दिखाता हूँ तो उसको कॉपी कर लेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे और मैं देखो क्या करूंगा वैसे को पेस्ट करूंगा है ना कॉपी पेस्ट के मैंने इसी तरीके से अब प्रिंट में क्या कर दूंगा यहाँ पे चाहूँ तो इंडिविजुअल एलिमेंट को मैं इंडेक्स को प्रिंट कर सकता हूँ कैसे देखो आई लिखा हुआ है ना तो इंडेक्स में प्रिंट कर देगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ एक पॉइंटर लगाता हूँ ठीक है So, मैं डालता हूं यहां पे एलिमेंट आठ इंडेक्स है ना अब कौन सा इंडेक्स ये कैसे पता चलेगा तो स्पेस दिया और यहां पे इंडेक्स के लिए मैंने डाल दिया आई एन डी ठीक है तो आई एन डी डाल दिया पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए फिर कॉमा डाला और यहां पे मैं बना दूंगा सॉरी ठीक है और यहां पे मैं बना दूंगा इंडिविजुअल ये और आगे हो गया सो एलिमेंट एट इंडेक्स आई डी मतलब इंडेक्स दिस पर्टिकुलर इंडेक्स से प्रिंट कर रहा हूं और यहां डाल दूंगा इस डैश ठीक है इस तरीके से अब सी तो क्या आ गया सो एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो इज जीरोजू पॉइंट फाइव फाइव इज टू प्लस थ्री जी सिक्स इज टेन प्लस ट्वेंटी सेवन इज टू हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एट इज दिस एंड सो ऑन टिल फोर्टीन तक फोर्टीन फोर्टीन इंडेक्स पे क्या है नन है आपका लास्ट में तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो नहीं न जैसे मैंने इस तरीके से प्रिंट किया आप फॉर्मेट का यूज़ करो डॉट फॉर्मेट का यूज़ करो जो आपको सिखाया मैंने ठीक है प्रिंट करने के लिए इंडिविजुअल चीज़ों को ठीक है तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो वो भी आपको दिखा दूंगा बल्कि मैं ठीक है यूज़ करके क्योंकि वो इफेक्टिव रहता है बेशा सो ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर दो सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स ठीक है क्योंकि चीज़ें आसान होंगी वो इसलिए बनाई गई है पाइथन में ताकि आप उसको यूज करो आसान रहे चीज़ें ठीक है तो यहाँ प्रिंट करूंगा ठीक है और मैं डालूंगा एलिमेंट एलिमेंट एट अब यहाँ फॉर्मेट कर लिया है ना एट इंडेक्स या फिर मैं पहले इंडेक्स की वर्ड भी लिख हूँ एट इंडेक्स दिस इज दिस ठीक है और यहाँ डॉट फॉर्मेट आ जाएगा और डॉट फॉर्मेट में क्या पास कर दूंगा मैं जो मुझे प्रिंट करना है तो सबसे पहले तो आई एन डी और फिर क्या प्रिंट करना है फिर क्या प्रिंट करना है फिर मुझे प्रिंट करना है एल का इंडेक्स मतलब लिस्ट का पर्टिकुलर इंडेक्स लिस्ट का पर्टिकुलर इंडेक्स राइट देखिए तो ये चलेगा यस बिल्कुल परफेक्टली चलेगा देखो वही आ गया तो जीरो इंडेक्स पे जीरो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे वन है सेकंड इंडेक्स माइनस वन वही सेम चीज वापस से प्रिंट हो गई ठीक है बट इट इज लुकिंग मच कूल राइट कि मतलब आपको इंडिविजुअल कॉमा लगा लगा के करना नहीं पड़ रहा है आ, सीधे सीधे पे भी आपको चीज़ें फिल करनी है फॉर्मेट करनी है फॉर्मेट फंक्शन का यूज करिए जो आपको सिखाया है ना आप इवन एफ का भी यूज कर सकते हो तो वो सब चीजें मैंने को सिखा रखी है वो सब यूज करिए राइट आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा ना? आप है ना इस तरीके से आप इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो मतलब इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकते हो जो लिमिटेशन आपके पास मेथड वन में थी मेथड टू में वो नहीं रही ठीक है आगे और भी बहुत से तरीके तो वो देखते हैं तो जैसे हमने अभी फिलहाल देखा कि आप कैसे फॉर लूप के साथ मतलब फॉर लूप हमने दोनों बार बार अभी जो है देखा है उसमें फॉर लूप देखा ठीक है क्या हम वाइल्ड लूप भी यूज कर सकते हैं येस भाई हम बिल्कुल वाइल लूप यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं तो यहां मैं देखूंगा मेथड थ्री है ना मेथड टू हो चुका ना मेथड टू हो चुका मेथड थ्री विच इज वट यूजिंग वाई लूप है ना तो वाइल लूप को यूज करते हुए कैसे आप कर सकते हो वो देखते हैं ठीक है तो अब यहां पे भी बहुत आसान है तो सबसे पहले यहां पर भी हमें लेंथ को एक्सेस करना पड़ेगा तो यहां मैं कर दूंगा एल ई एन जी टी एच लेंथ एक्सेस किया मैंने है ना सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एक्सेस नहीं किया मतलब लेंथ बना लिया वेरिएबल बना लिया जिसमें लेंथ स्टोर करा दूंगा सो लेंथ ऑफ वट लेथ ऑफ एल एस टी लिस्ट की मैंने लेंथ स्टोर कर ली लेंथ निकाली लिस्ट की और लेंथ वाले मतलब वेरिएबल में स्टोर कर दी लिस्ट की लेंथ ठीक है अब मैं क्या करूंगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल बनाऊंगा आई विच इज इक्वल टू जीरो मैंने एक इंडिविजुअल वेरिएबल बनाया आई जो जीरो के बराबर है अब ये आई क्या होगा चेंज होता रहेगा ये आई क्या होगा ये आई चेंज होता रहेगा विद द टाइम है ना और मैं बार बार चेक क्या करूंगा मैं कंडीशन चेक करूंगा क्या मैं कंडीशन चेक करूंगा कि क्या आपका जो आई है वो छोटा है लेंथ से तो जो आपकी इंडिविजुअल जो लिस्ट है उसकी जो लेंथ है क्या आई उससे छोटा है अगर है तो आपको प्रिंट करते चले जाओ आई को है अगर नहीं है तो मत करो तो मैं क्या कर सकता हूं जैसे मैंने यहां पे कहा कि अगर आई जो है छोटा है लेंथ से तो आप क्या करो आप प्रिंट कर दो प्रिंट क्या कर दो अब एल का आई इंडेक्स प्रिंट कर दो है ना मतलब एक तरीके से आप

है, तो है? जनरेट कर दोगे कीबोर्ड इंटरप्ट तो ये बंद हो जाएगा ठीक है तो इस चीज में नहीं फंसना मतलब ऐसे जो है वाइल्ड लूप के साथ बहुत ज्यादा सिचुएशन होती है फंसने की इन्फिनाइट लूप में तो उससे बचना हमेशा ठीक है तो जैसे सपोज मैंने आई जीरो बनाया था मतलब इंडेक्स जीरो था तो मैंने कहा कि यार ये मतलब छोटा है जीरो जीर। इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए तो हम हर इटरेशन पे क्या करेंगे करेंगे को मतलब हम लिखेंगे हम तो आई, तो आई, आई, तो तो आई शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू वन राइट मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो अब ये क्या करेगा ये इंडिविजुअल आई को बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा मतलब अब देखो क्या होगा अब आई जीरो

छोटा नहीं फिफ्टीन से बराबर बिल्कुल है बट छोटा नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा तो दोबारा रन नहीं होगा ठीक है आप इसको, है तो है, तो तो अब इसको कैसे रन कर सकते हैं देखो देखो दिखाता हूं सी? तो इस तरीके से आपके इंडिविजुअल हर एलिमेंट जीरो 2.2, 2.5 ये पूरा प्रिंट हो गया और इवन इसकी मदद से आप इंडेक्स भी फिच कर सकते हो यूज कर सकते हो क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट को ही तो यूज कर रहे हो इंडिविजुअल एलिमेंट को यूज करके आप प्रिंट कर रहे हो ठीक है तो ये आप यूज कर सकते हो राइट अब जैसे क्या करूंगा मैं इसी को कॉपी करूंगा कमेंट आउट करूंगा तो ये चीज़ तो समझ में आ गई आप लोग को राइट अब मैं यहाँ पेस्ट करके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप इंडिविजुअल एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हो तो यहाँ डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे ठीक है सो एलिमेंट एलिमेंट सॉरी इंडेक्स format. राइट right? पहला ये हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका जाएगा इंडेक्स तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई आई हो जाएगा राइट right? ये आपका i हो गया ठीक है नाउ लेट्स सी कैन वी प्रिंट दिस यस बिल्कुल वी कैन प्रिंट दिस और एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज 1 2 3 और oh, 14th इंडेक्स तक कब चलेगा नल हो गया अच्छा इसके बाद एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर इसके बाद मैं i की वैल्यू प्रिंट करूंगा ठीक है so, सो मैं यहाँ डाल दूंगा वैल्यू ऑफ i एट एंड ठीक है तो वो क्या है भाई तो मैं यहाँ डाल दूंगा i तो वैल्यू ऑफ आई एन क्या है लास्ट में बिल्कुल वैल्यू क्या है आई की वो देखिए तो लास्ट में देखो बिल्कुल आई की वैल्यू क्या है फिफ्टीन है और फिफ्टीन चेक किया गया कि छोटा है क्या नहीं है भाई इवन आप ये चेक कर सकते हो कि लेंथ क्या है ठीक है वो भी मैं दिखा सकता हूं ठीक है लेंथ ऑफ लिस्ट स्कूल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आए एल एन जी टी एच ठीक है -E तो लेंथ चेक कर रहा हूँ कि लेंथ के बराबर है क्या तो देखिए भाई लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है वो भी फिफ्टीन है वैल्यू ऑफ के लास्ट में एंड इस फिफ्टीन, तो फिफ्टीन तो छोटा नहीं है फिफ्टीन से तो इसी वजह से वो आगे रन नहीं होगा समझ में आया ठीक अच्छा, है अच्छा यही चीज जैसे लेंथ यहाँ लिखी है इंडिविजुअल आप इसका कंबाइन भी कर सकते हो वो आपको समझ में आ चुका है कैसे कर सकते हो राइट वो मैंने आपको फॉर वाले में पार्ट में अभी समझा ही दिया ठीक है तो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर होगा कि किस तरीके से आप ये मेथड थ्री मतलब वाई लूप को यूज करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो इंडेक्स करते हो तो जब भी यहां पर भी इंडेक्सिंग की जरूरत है आई पे कंडीशन डालना है आई को अलग तरीके से चेंज भी करना है आप नहीं चाहते सिक्वेंच करके चेंज हो आप अपनी तरफ से चेंज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो ठीक है मतलब इन रैंडमली कभी भी कैसे भी चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो बट एक पर्टिकुलर पैटर्न में चेंज करना है तो आप इसका यूज करो है ना मतलब रेंज uh, वाले मेथड का पर्टिकुलर दो दो को मिस करके तीन तीन को मिस करके इंडेक्स बनाना है तो ऐसे बनाओ ना बिल्कुल ठीक है ये सारे तरीके आपके पास और एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि किस तरीके को कब यूज करना चाहिए पर आई होप यहां तक आपको तीन मेथड समझ में आ गए होंगे अब चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ विच इज मेथड फोर और ये है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ठीक है सो दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई एक लिस्ट क्रिएट करनी तो मैंने क्या किया एक लिस्ट क्रिएट करी है ना और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है आपको वो ऑपरेशन डाल देना जो भी आपको परफॉर्म करना है इंडिविजुअल एलिमेंट पे तो मुझे क्या करना है मुझे प्रिंट कर देना है भाई है ना सो so, प्रिंट कर देना है हर एलिमेंट वैल्यू सो प्रिंट मुझे क्या करना है एल कर देना है ठीक है एलिमेंट आएगा कहां तो तो हम लूप लगाएंगे सो फॉर इन जब तक LM आपका पाया जा रहा है लिस्ट में एलिमेंट जब तक लिस्ट के अंदर है तब तक एलिमेंट को प्रिंट करते रहो सिंपल सी कहानी तो देखो उसको रन करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा देखो ओके okay, प्रिंट देखो जीरो से लेके

ये इवन मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं ठीक है अभी आपने फिर से देख लिया एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा तो बहुत सिंपल सेंटेक्स है फॉर लगाना है फॉर के आगे जो मतलब सिंपल फॉर का जो कंडीशन होती है वो लगाना है अब बॉडी आगे लिखने के बजाय पहले लिख देनी है और उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट से कवर कर देना दिस इज नोन एज लिस्ट कॉम्प्रीहें ठीक है समझ में आया चलो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी ठीक है अब चलते हैं अपने मेथड फोर की तरफ सॉरी मेथड फाइव की तरफ इस लास्ट मेथड ठीक है अब लास्ट मेथड फाइव क्या है यूजिंग इन्यूमिरेट ठीक है यूजिंग इन्यूमिरेट फंक्शन इन्यूमिरेट ठीक है तो इन्यूमिरेट फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं इसके बारे में बोलती हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं बट एक बार इसको यूज करके आपको मैं दिखाता हूं तो यार देखो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे अभी तक हम इंडिविजुअल इंडेक्स को हैंडल uh, करते आ रहे थे फर्स्ट मेथड में तो दिक्कत है फर्स्ट मेथड में आप यूज नहीं कर सकते इंडिविजुअल एलिमेंट को जब पॉइंट कर रहे हो तो उसका इंडेक्स आप चेक नहीं कर सकते राइट ऑल दो है एक तरीका है इसको भी चेक करने का बट हमें उसमें फंसने की जरूरत नहीं है ठीक है साथ में मेथड टू में सिचुएशन ये है कि आप हाँ इंडिविजुअल एलिमेंट को आप हैंडल कर सकते हो बट आप इंडेक्स को ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहां को ही हैंडल कर रहे हो बट आपको इन दोनों को कंबाइन करना, मतलब करना है आपको हर इंडिविजुअल एलिमेंट को ही पॉइंट करना है बट साइमल्टेनियसली एलिमेंट के साथ आपको उसका इंडेक्स भी जानना है क्या तो यार आप यूज कर सकते का, जिसके बारे में, हम में आगे देखेंगे तो एक्चुअली में इन्यूमिरेट करता क्या है डिटेल मतलब थोड़ा सा ब्रीफ बताता हैं इन्यूमिरेट करता क्या है enumerate, enumerate जो है आपका लिस्ट ले लेता है जो भी आपकी लिस्ट है तो जैसे कि मेरी लिस्ट एल एस टी तो मैंने लिस्ट इसको पास कर दी जो भी लिस्ट मेरी है तो मैंने इस इन्यूमिरेट फंक्शन को अपनी लिस्ट एल एस टी पास कर दी अब ये करेगा क्या इस लिस्ट में इटरेट करेगा है ना इस लिस्ट में इटरेट करेगा बट साइमल्टेनियसली ये भी हैंडल करता चलेगा ये भी ध्यान रखता चलेगा कि हम कौन से पर्टिकुलर इटरेशन पे हैं तो ये टपल बना देता है वैल्यू साथ में उसके इटरेशन की अब इस इन्यूमिरेट में हम क्या करने वाले हैं इसमें चेक करने वाले हैं ठीक है ठीके? इन में यूजिंग आर अगेन वही फॉर लूप ठीक है सो फॉर अब क्योंकि इसके अंदर दो चीजें तो हम दो चीजें चेक करेंगे सो फॉर इंडेक्स एंड वेल इन इन्यूमिरेट दिस लिस्ट तो लिस्ट को मैंने क्या किया इन्यूमिरेट किया मतलब हमने क्या किया हमने चेक किया एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो आप ट्रैवल सॉरी पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसका इंडेक्स क्या है

प्रिंट क्या कर सकते हैं हम प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्स है ना और कॉमन लगा के प्रिंट करता हूं चलो ठीक है डैश कॉमा और वैल्यू ठीक है तो जो भी वैल्यू आपने प्रिंट करी इंडेक्स और वैल्यू आ गई ठीक है लेट्स सी व्हाट विल हैपन इनके बीच में स्पेस डाल देता हूं नहीं तो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा लेट्स रन दिस तो देखिए क्या आया तो जीरो इंडेक्स पे जीरो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट टू पे वन थ्री पे टू पॉइंट टू फोर पे टू पॉइंट फाइव ऑन फोर्टी पे क्या आ गया फोर्टींथ पे आपका आ गया भाई ना मतलब इस तरीके से आपने इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स को हैंडल uh, कर लिया और यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया मतलब मेथड फाइव तक आपने क्या किया मेथड फाइव में आपने एक इन्यूमिरेट फंक्शन का यूज किया जिसने क्या किया आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड को कंबाइन कर दिया मतलब आप इंडिविजुअल वैल्यू को एलिमेंट को आप हैंडल कर पा रहे हो पर साइमल्टेनियसली ये भी देख पा रहे हो कि उसका इंडेक्स क्या है तो इस तरीके से जब भी आपको कभी यूज करना पड़ेगा देखो पड़ेगी जरूरत है ना इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी इसलिए बनाए गए हैं अब क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कब जरूरत पड़ेगी किस तरीके से तो जब वो चीजें मैं आपको तब दिखाऊंगा अभी फिलहाल तो ये सारे टूल्स को रखो अपने बैग में और जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे अलग अलग प्रोग्राम सोल्व करने कर रहे होंगे रियल वेट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे तब आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी राइट यहाँ पे मैं एक ऑनरेबल मेंशन भी करना चाहूँगा मतलब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम ट्रैवल कर सकते हैं उसके बाद हमने इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट किया पर जरूरी नहीं आपको हमेशा इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना हो आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद राइट right, जो चाहे आप वो कर सकते हो बट वट इफ अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ प्रिंट करना है इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना तो उसका एक शॉर्टकट है वही मैं आपको ऑनरेबल में दिखाना चाहता था कि अगर आप चाहते हो इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना तो एक शॉर्टकट तरीका है ठीक तो है तो प्रिंट का शॉर्टकट ठीक है प्रिंट का शॉर्टकट तरीका क्या है तो यार देखो जो भी आपको करना है सिंपली लगाओ प्रिंट है ना और जो भी लिस्ट है

क्योंकि बाय बाय डिफॉल्ट इसमें सेपरेट हो रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट स्पेस से क्योंकि डिफॉल्ट स्पेस होता है आप चाहे तो जो भी मेंशन कर सकते हो तो जैसे मैं चाहूं एल एस टी स्टार एल एस टी तो शॉर्टकट तरीका भाई प्रिंट करने का कॉमा लगाया यहां पर मैंने डाल दिया सेपरेटर किससे करना है आपको सपोज कॉमा सेपरेट करना ठीक है तो कॉमा से सेपरेट कर सकते हो यार आप और कॉमा सेपरेट करने के बाद हर बार गैप दे दो है ना तो बिल्कुल रन हो जाएगा तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट कॉमा ऑफिस स्पेस और फिर वो इंडिविजुअल एलिमेंट और इस तरीके से आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बना दी ठीक है तो बिल्कुल यार बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप इस तरीके से। समझ में आया इवन अगर आप चाहते हो नई नई लाइन में प्रिंट करना वो भी कर सकते हो सिर्फ सेट में आपको चेंजेस करने ठीक है थीके? तो यार ये एक्चुअली में ट्रैवर्सल नहीं कहते हम इस चीज को क्योंकि हम ट्रैवर्सल उस चीज को कहते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल एलिमेंट को ट्रैवल कर रहे हो और आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप उसके साथ कर सकते हो इसमें भी डेफिनेटली ट्रैवर्सल इंटरनली परफॉर्म हो रहा है

तो हर कैरेक्टर क्या हुआ न्यू लाइन में प्रिंट हो गया सी जीरो वन माइनस वन टू पॉइंट थ्री हंड्रेड ए वन बी बॉल वन ए वरदान गर्ग एम ट्रू फॉल्स नान है ना इंडिविजुअल एलिमेंट जो है इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो गए ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड यूज करके आप हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो ठीक है ऑफ अ लिस्ट ठीक है तो आई होप यहां तक चीज आपको क्लियर हुई होंगी तो ट्रावर्सलियर क्लियर हुआ होगा पांचों तरीके क्लियर हो गए होंगे ट्राइवर्सल के ठीक है और ये प्रिंट का शॉर्टकट तरीका एक मेरी तरफ से मान लीजिए ठीक है ऑनरेबल या फिर बोनस पॉइंट ठीक है तो वो ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ लिख भी देता हूँ बोनस है ये ये ट्रावर्सल के अंदर नहीं काउंट करिएगा ठीक है चलो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ऑल दो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है वीडियो कंप्लीट करते हैं चलते हैं अपनी स्लाइड पे और वीडियो करते कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस आई होप आपको और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लिस्ट ट्रैवर्सल कर सकते हो बाकी वो जो मैंने एक बोनस स्टेप दिया ना उसका ध्यान रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे आगे ठीक है सो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी तो इस वीडियो में यही था जिसमें हमने ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट देखा कि किस तरीके से आप लिस्ट को ट्रैवर्सल मतलब लिस्ट ट्रैवर्स कर सकते हो आगे आने वाली वीडियो में और बहुत सारे ऑपरेशन है या तरीके हैं वो सब चीजें देखेंगे इस वीडियो में यही तक था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या यार यार so, नेक्स्ट yeah, है हमारी वेबसाइट मैनेजमेंट डॉट कॉम तो आपको गूगल पर टाइप करना है मैनेजमेंट डॉट कॉम पहले वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे हमारा होम पेज अब जिस भी आप क्लास में जैसे क्लास इलेवन में हो तो क्लास इलेवन पे क्लिक किया तो उसके सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे उस पर कंप्यूटर साइंस सर्च करिए वॉच पे क्लिक करिए और उसके सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी इसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास जो यूट्यूब पे यहां पे आपको बेनिफिट क्या है तो यार बेनिफिट ये है कि यहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे है ना साथ में सारा कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है यूट्यूब पे नहीं यूट्यूब के तरीके से आ, थोड़ी लिमिटेशन नहीं है यहां सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेइज्ड है ठीक है मैग्नेट माइग्रेटेस का सारा कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएगा तीसरा पॉइंट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है ये कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा आपसे यहाँ पे आके सब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एक बार विजिट करो फायदा तो उठाओ यार और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है हमारी मेहनत अच्छी लगती है ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्ले अच्छी लग रही है तो हमारे साथ यानी कि मांगे बेस जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किटागार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच